अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम सफदरजंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। तो जैसा कि अगर यहाँ आना चाहते हैं तो बाय मेट्रो आएँ। मेट्रो अगर आ रहे हैं तो जोरबाग मेट्रो स्टेशन उतरे, वहाँ से गेट नंबर 2 से सीधा 5 मिनट, अगर पैदल आते हैं तो 5 मिनट का रास्ता है, और फिर यहाँ के आप इजीली घूम सकते हैं। इसका जो एंट्री फीस है वो मात्र 2500 रुपये है। इसमें आप पूरी जो इसका जोरवा का एरिया है पूरा आराम से घूम सकते हैं। अगर आप नमाज़ अदा करना चाहते हैं तो जुमा के दिन आए। जुमा के दिन स्पेशली इसकी जो मस्जिद है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलता है, जिसमें आप आराम से जुमा की नमाज़ अदा कर सकते हैं और अच्छे से घूम सकते हैं। रही बात इसकी ओपनिंग टाइम की, तो सुबह 7 बजे खुल जाता है, शाम के 5 बजे तक की एंट्री की वो होती है, यानी कि टिकट कटती है। तो आप ऐसा करिए कि जब भी आएँ तो जो है 5 बजे से पहले की एंट्री ले लें, तो आप आराम से 8 बजे तक यहाँ घूम सकते हैं। और ये पार्क, ये जो सफदरजंग का टॉम्ब है, यहाँ आप इजीली आप अच्छे से यहाँ घूम सकते हैं। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत बढ़िया है, जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो आप बारीकी से जान पाएंगे, इसीलिए आपको अगर जाना हो, फैमिली के साथ जाना हो, तो 5 बजे से पहले एंट्री ले लें ताकि आप 8 बजे तक आराम से घूम सकें। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और जो भी कोशिशें थी आप लोगों के लिए ही थी, और अच्छा लगा यहाँ आकर के। मैं तो कहूँगा आप जब भी आए तो फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। ऐसा यहाँ पे कोई वो माहौल नहीं मिला कि आप यहाँ फैमिली के साथ नहीं आ सकते। मोस्टली फैमिली के साथ विज़िट करिए, अच्छा रहेगा। लोकेशन भी बहुत अच्छी है, देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है और वातावरण भी बहुत बढ़िया है। मैं तो कहूँगा कि फैमिली के साथ ही आए, टाइम स्पेंड करें, अच्छी जगह है ये है। अगर आप बाय मेट्रो आना चाहते हैं तो जोरबाग मेट्रो स्टेशन उतरिए गेट नंबर 2 की तरफ, वहाँ से आपको जो है वॉकिंग डिस्टेंस मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट में आप जो है सफदरजंग टॉम जो है पहुँच जाएंगे। यानी ये देख सकते हैं आप पीछे मेरे, ये जो है ये सफदरजंग टॉम है, अच्छी जगह है। मुझे तो अच्छा लगा करके, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। लोकेशन भी अच्छा है और पेड़ पौधे भी बहुत हैं यहाँ पे। आप सुन सकते हैं मेरे सराउंडिंग में आवाज़ें चल रही होंगी चिड़ियों की चहचहाने की। अच्छा लगा, होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार, आपका अभिनंदन। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।